नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी यार कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैम ब्लास्टिंग छा बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ, बड़ी पते की बात बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये जो इस चैनल पे है ना, जैसे शाइना सेठ वो जो दूसरा हमारा पहला चैनल है, उस पे तो मैं चीजें बताती हूँ, है ना। लेकिन इस चीज में कुछ चीजें हम वास्तु की कवर अप करेंगे, सीधी सी बात है। तो मैंने सोचा थोड़ी चीजें आपको बता दूं। देखो भाई, पहली ये चीज समझने की कोशिश करो, हमारा जो घर का हिस्सा होता है, वास्तु क्या होता है? वास है ना, मतलब जहां पर हम लोग वास करते हैं। पांच एलिमेंट, पांच तत्व होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पिरिट। सही बात है, हमारा जो शरीर है इन्हीं चीजों से बना है। जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है। सारे ग्रह के प्रभाव भी हमारे शरीर पे आते हैं। जैसी जैसे ग्रह की चाल होती है, वैसे वैसे हमारी लाइफ वो इफेक्ट करती है, सीधी सी बात है। बट आज अभी इस मोमेंट में मैं ग्रह के बारे में बात नहीं कर रही, सीधी सी बात है। आपको एक चीज दिखाती हूँ, है ना, एक दो उपाय भी बताऊंगी इसी के अंदर, तो थोड़ा अच्छे से समझ लेना। अब ये हो गया साउथ, घर के बीचों बीच खड़े हो जाओ, सीधी सी बात है ना। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। कंपस को खोल के अपने घर के सेंटर पॉइंट पे, ये जो भ्रम स्थान होता है, भ्रम स्थान भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, भ्रम स्थान पे अपना खड़े हो जाओ, सीधी सी बात है। आपको कंपस खोल के आपको पता चल जाएगा। चलो मान लो, ये देखो, ये चार हिस्सों में डिवाइड कर लो, ठीक है। अब मान लो ये जो एरिया आ गया, ये तो ESE का एरिया हो गया, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट का एरिया, ठीक है। अब ये जो साउथ ईस्ट का एरिया होता है वो किस प्लेनेट को रूल करता है? वो वीनस को रूल करता है, सीधी सी बात है। अब मान लो अगर साउथ ईस्ट का जो एरिया है वो कट है, उसमें बिल्डिंग में ही ये एरिया नहीं है, या यहां पर टॉयलेट है, या यहां पर पानी के नलके लगाए हुए हैं, तो क्या होएगा? अब कुछ चीजें बताती हूँ। एक तो हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस में कमी आने के चांसेस बन जाते हैं, कंसीविंग में प्रॉब्लम होने के चांसेस बन जाते हैं। जो पैसा आएगा पता नहीं कहाँ गायब चला जाएगा, नुकसानों में चला जाएगा, या आएगा कैसे और पता नहीं कहाँ चला जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा कि भैया ये हुआ तो हुआ, क्या पैसा गया कहाँ। अब पहली चीज ये है कि इस चीज को इनहेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो वॉल है, अगर तो ये कटा हुआ है एरिया, मान लो ये एरिया ही पूरा कट है, तो एक मेरे कहने पे एक यहां पर मिरर लगा दो, क्योंकि जो कौन से एरिया पे लगा, कौन से वॉल पे लगाओगे, इस वॉल पे लगाओगे, ताकि वो जो है एरिया जो कट है वो उस चीज को एक्सटेंड कर जाए। क्या समझे? वो एरिया आपका एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्सटेंशन की एक जो रेमेडी है वो यूज कर ली है। दूसरी चीज ये है, यहां पर पंचदीपक, या तो साउथ में या तो साउथ ईस्ट में, एक पंचदीपक जलाना शुरू कर दो। और कब से करोगे? मंगलवार को सूर्योदय के समय कर दो, जो कि शनिवार शाम तक जलता रहे। चलो मान लो कुछ करके भैया नहीं वो बुझ गया, कुछ भी करके, है ना, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, उसको कंटिन्यूटी में रखना। शनिवार को सुबह सूर्योदय के समय जला लेना, जो कि शाम तक जलता रहे। एक और चीज बता देती हूं, एक ग्लास पानी का रखकर उसके अंदर चीनी डाल देनी आपने, सीधी सी बात है। इस उंगली से, शुक्र की उंगली, करेक्ट है, इस उंगली से आपने उस पानी में करके ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः 108 बार करके वहां पर छिड़क देना है, यहां या वहां पर उस पानी का पोछा लगवाना शुरू कर दो। एक और चीज बता देती हूं, घर पे कई बार बरकत नहीं बन पाती है कि नहीं, सीधी सी बात है। एक तो एक चीज बता दूं, पाखंड की दुकान से दूर रहो, ये 2.5 लाख पूजा, 2 लाख पूजा, ये ओपल ले लो, पन्ना ले लो, ये ले लो, पिरामिड ले लो,
ले लो ही ले लो, कछुए की रिंग ले लो, धनवर्षा पोटली ले लो, बस ले लो ही ले लो। क्यों अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो? आज की डेट में पैसा कमाना कोई आसान है क्या? कब समझोगे पाशा लोगो? चलो कोई बात नहीं, कंसल्टेशन में कोई क्या बोलते हैं अपने को तो पता नहीं है कि नहीं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर जब वो इतने 100 दोष बता देते और बोल देते हमारे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, तब इस शैना सेठ को याद कर लेना एक बार, सीधी सी बात है। और तो कुछ नहीं बोलती, और अपनी कंसल्टेशन को रिकॉर्ड किया करो, सीधी बात है। अब आपको बता देती हूँ एक और चीज, कई बार बरकत नहीं आती, सीधी सी बात है ना, बीमारियां पीछे नहीं छोड़ती, कुछ नहीं होता, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आपने क्या करना है, अपना जो आटा पिसवाते हो या बाहर से लाते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा चना जो होता है ना, काले काले चने जो होते हैं, उसको पिसवा कर थोड़ा सा केसर। अब चना क्या हो गया, किसका एलिमेंट हो गया? शनि का एलिमेंट हो गया, सही बात है। अब बड़ा लॉजिक समझना। हम कहते हैं कि भैया हम मेहनत करते हैं पर उसका फल नहीं मिल पाता। मेहनत क्या हो गया? शनि हो गया। फल मिलना क्या हो गया? बृहस्पति हो गया। तो बृहस्पति की एलिमेंट क्या हो गई? केसर की पंखुड़ियां। उसके अंदर डाल के चना पिसावा, चना और केसर की पंखुड़ियां थोड़ी सी डाल के आटे के अंदर ही, आप खुद देखोगे आपके बॉडी में भी, आपके नेचर में भी, आपके हालातों में भी इतना फर्क आ जाएगा जिसकी कोई हद बात नहीं। वास्तु पुरुष का सारा पूरा डिटेलिंग इस चीज में आपको बताऊंगी। किसी चीज पे वीडियो चाहिए बनाऊं, बस एक कमेंट छोड़ देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। पाशा लोगों ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।